हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम बात करने वाले हैं यूट्यूब के 3 ऐसे नए फीचर के बारे में जो अभी यूट्यूब ने अभी हाल ही में लॉन्च किया है। जी हाँ, मैंने देखा कि कोई भी यूट्यूबर इसके बारे में वीडियो नहीं बना रहा है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसके बारे में एक पूरा वीडियो बना दिया जाए जो भी नए नए फीचर अभी हाल ही में यूट्यूब ने लॉन्च किया है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और जानते हैं क्या है वो 3 नए फीचर। सबसे पहले आपको क्या करना है, अपना यूट्यूब अकाउंट ओपन कर लेना है। उसके बाद से माई चैनल में यहाँ ऊपर दिखाई दे रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद से देखिए आपके सामने कुछ इस तरह का फेस आ जाएगा। और यहाँ पे देखिए नया जो फीचर आया है, एक है टाइम वॉचेड, मतलब कि अगर आप जितना देर तक YouTube देखेंगे उसका पूरा ब्यौरा आपको मिल जाएगा इसमें। जैसे कि मान लीजिए मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ टाइम वॉचेड, ठीक है। इसमें जाने के बाद से आपको देखिए इस तरह से आपको दिखाई देगा कि आज आपने कितना YouTube इस्तेमाल किया है, टुडे आज आपने कितना YouTube इस्तेमाल किया है, यस्टरडे यानी कल आपने कितना इस्तेमाल किया था। यहाँ पे जैसे देख लीजिए, आज मैंने 45 मिनट तक YouTube देखा है, उसके कल मैंने 3 घंटा 53 मिनट तक YouTube देखा था। और भी इसमें बहुत सारे नए नए फीचर है, चलिए मैं आपको बता दे रहा हूँ। सबसे पहले आपको नीचे जाना है और यहाँ पर देख लीजिए ऑटोमेटिक नेक्स्ट वीडियो यहाँ पे जो ऑप्शन दे रहा है। पहले क्या हुआ था कि कुछ दिन पहले YouTube पर ये ऑप्शन हटा दिया गया था। जी हाँ, जो भी वीडियो देख रहे थे हम, वो उसके बाद से ऑटोमेटिक एक अगला वीडियो ऑटोमेटिक चालू हो जा रहा था, लेकिन अब ऐसा नहीं हो रहा था। कोई भी वीडियो हम देख रहे थे उसके बाद से वो बंद हो जाता था, जैसे ही खत्म होता था तो वो ऑटोमेटिक बंद हो जाता था, नेक्स्ट वीडियो ओपन नहीं होता था। लेकिन अगर आप चाहें तो आप सेटिंग से द्वारा कंट्रोल कर सकते हैं। अगर आप चाहें कि कोई वीडियो चल रहा है और उसका ऑटोमेटिक नेक्स्ट भाग चलने लगे, तो यहाँ से आप देख लीजिए ऑटो प्ले नेक्स्ट वीडियो, इस पर आप क्लिक कर देंगे तो वो ये ऑप्शन ऑन हो जाएगा। या फिर आप चाहते हैं कि कोई भी वीडियो ऑटोमेटिक प्ले ना हो, इसके लिए आपको क्या करना है, इसको ऑफ कर देना है। ये ऑलरेडी ऑफ रहता है, ठीक है। उसके बाद इसमें बहुत सारे ऑप्शन हैं, यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर डिसेबल साउंड वाइब्रेशन। जैसे मान लीजिए कि YouTube का जो भी नोटिफिकेशन आता है एक साउंड देता है। जी हाँ, जैसे कोई भी या जो भी रिंग लगाए रहते हैं वो रिंग बजता है, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि इसको वाइब्रेट कर सकें या फिर ऑफ कर सकें तो इसको ऑफ कर दीजिए। या फिर चाहते हैं कि उसका वाइब्रेशन ऑन रहे तो इसको आप ऑन भी कर सकते हैं। इस तरह से बहुत सारे इसमें नए नए फीचर आ चुके हैं। और आइए जानते हैं हम एक और नए फीचर के बारे में। हमको सीधे बैक जाना है, बैक जाने के बाद से फिर से हमको इसी में आना है। और यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे दिखाई दे रहा है एक टर्न ऑन इनकॉग्निटो, यानी कि अगर आप चाहें तो अपने अकाउंट से भी नहीं दूसरे अकाउंट से देख सकते हैं, बिना अकाउंट के ही यूट्यूब चला सकते हैं। जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे टर्न ऑन इनकॉग्निटो, तो इस पर क्लिक करते ही देखिए हमारे अकाउंट से नहीं दूसरे अकाउंट से एक यूट्यूब चालू हो गया। यानी कि अगर आप चाहते हैं कि मैं अपने अकाउंट से यूट्यूब ना देखूँ दूसरे अकाउंट से देखूँ, तो आप आसानी से यूट्यूब के अकाउंट से देख सकते हैं। उसके बाद से देखिए यहाँ पे एक और है पेड मेंबरशिप का ऑप्शन, जो कि ये नहीं था, ये अभी हाल ही में लॉन्च किया गया है पेड मेंबरशिप का ऑप्शन। जी हाँ, अब चलिए हम आपको कुछ और नए नए फीचर दिखा दे रहे हैं, जैसे कि आप इसको स्किप करिए और नीचे यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है इनबॉक्स, इसमें जाइए। इसमें जाने के बाद से आपको यहाँ पे देख लीजिए, वैसे तो बहुत दिनों का ये फीचर आया है, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ नोटिफिकेशन एंड यहाँ पे मैसेज। अगर आपके जीमेल अकाउंट से कोई इसमें लॉगिन है, मतलब आप उसको मैसेज भेजना चाहते हैं, तो ऑटोमेटिक यहाँ से आप उसको मैसेज भेज सकते हैं, जैसे आप व्हाट्सअप से भेजते हैं। या फिर अगर कोई आप ग्रुप बनाना चाहते हैं फ्रेंडों का जो काफ़ी यूट्यूब देखते हैं और उनके पास आप काफ़ी वीडियो शेयर करते हैं, तो आप चाहें तो एक और नया ग्रुप पर क्लिक करके और एक अच्छा खासा ग्रुप बना सकते हैं, क्योंकि मैं यहाँ कोई ग्रुप बनाने वाला नहीं हूँ, ठीक है। तो इस तरह से इसमें 3-4 जो है नए फीचर लॉन्च हुए हैं, तो आप आसानी से इसको खोल कर देख लीजिए और आपको जो आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। हमको इसमें सबसे बेहतर जो फीचर लगा वो है टाइम का, जो आप ऑटोमेटिक जाके टाइम देख सकते हैं कि आज आपने कितना देर तक यूट्यूब चलाया है या फिर देखा है। देखिए यहाँ पे दिखा रहा है मैंने आज 45 मिनट देखा है, तो ये फीचर मुझे काफ़ी अच्छा लगा। आपको इनमें से कौन सा फीचर अच्छा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और आप इसे लाइक शेयर ज़रूर करेंगे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि आगे हम आपके लिए बहुत सारे बेहतरीन वीडियो लेकर आने वाले हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।